Hi, I'm Rini and welcome back. हम जब acne and pimple की journey में होते हैं ना, तो हम बहुत सारे products ऐसे होते हैं कि हम try करते रहते हैं ये सोच के कि शायद इसी products से हमारी acne and pimple शायद कम हो जाए या फिर reduce हो जाए permanently. इसी try and error में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल काम नहीं करते हम लोगों के ऊपर, एंड कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हम लोगों को मिल जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए वंडर्स कर जाते हैं. आज मैं वो सारी चीज़ शेयर करूँगी जो मेरी एक्ने एंड पिंपल की जर्नी में मेरे स्किन के लिए वंडर्स काम करेगी, एंड हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए भी वंडर्स कर जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर वन जो चीज़ की बारे में मैं बात करूँगी, हो सकता है वो सुन के आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, बट वो चीज़ मेरे स्किन के लिए वंडर्स काम करेगी, जो कि है मिंट लीव्स. मिंट लीव्स ऐसी एक चीज़ है जो मेरी स्किन केयर जर्नी में पिंपल्स को कंट्रोल करने में बहुत हद तक हेल्प की थी. ऐसा एक भी दिन समर टाइम में नहीं गया कि मैं इस मिंट लीव्स को मेरी फेस मास्क के अंदर यूज़ ना करूँ. अगर आप मेरे चैनल में पहले से हो तो आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में, मैंने बहुत सारे मार्क्स में पुदीना पत्ता यानी कि मिंट लिप्स को यूज़ करके लोगों को मैंने शेयर किया था. तो मिंट लिप्स क्यों पिंपल्स के लिए काम करता है, उसका रीज़न है मिंट लिप्स के अंदर मौजूद सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड हमारी डेड स्किन सेल को रिमूव करके एंड पोर्स के बहुत अंदर तक जाके ऑयल वगैरह वो सब कुछ क्लियर आउट करने में बहुत हेल्प करती है. तो पोर्स जब क्लीन रहते हैं तो फर्दर पिंपल होने का भी चांस कम हो जाता है. नाउ सेकंड जो चीज़ मेरी जर्नी में बहुत काम आई वो है क्ले मास्किंग. जो मैंने अभी कहा कि मिंट लिप्स को मैं क्ले मास्क के साथ मिला के यूज़ करती थी, तो क्ले मास्क के लिए मैं बहुत ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी को यूज़ किया है एंड अभी तक कर रही हूँ. ये एक्चुअली खादी का ये डब्बा है एलोवेरा जेल की, बट इसके अंदर मैंने बायो ऑर्गेनिक की जो मुल्तानी मिट्टी आती है इसके अंदर भर के रख लिया है, तो आसानी होती है यूज़ करने में, कन्वीनियंट हो जाती है. क्ले मास्क यूज़ करने का रीज़न यही है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल होती है स्किन में वो एकदम खींच के निकाल देती है, स्पेशली अगर आपका पिंपल एंड ऑयली स्किन है तो. बट ट्रिक यहाँ पर रही है, जो गलती हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि क्ले मास्क को फुल सूखने तक स्किन के ऊपर लगा कर रखते हैं, वो नहीं करना है, वो गलती हो जाती है. हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है. तो हमें बस 10 मिनट्स ही इसको लगा कर रखना है. क्ले मास्किंग मैं रोज़ करती थी एंड इवन अभी स्टार्ट कर दिया है फिर से जैसे ही समर आ चुकी है, बट मैं 10 मिनट्स तक ही रखती हूँ. तो अगर बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन में आप क्ले मास्क खोज रहे हैं तो मुल्तानी मिट्टी से बेहतर कोई मास्क हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट की बात मैं करूँगी, इसके ऊपर तो मैंने कहीं सारा वीडियोस बना के आप लोगों तक शेयर किया, आप लोगों को वो बहुत हेल्पफुल लगी, जो है टी ट्री एसेंशियल ऑयल. मेरी जर्नी में ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल बहुत ही अच्छा काम किया. टी ट्री ऑयल में ना एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है. अगर आपके स्किन में टाइनी बम्स हो जाते हैं या फिर फंगल एक्ने के प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं या फिर छोटा मोटा अगर दाना निकलने लगता है या फिर पिंपल्स एक्ने की भी प्रॉब्लम है ना, तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम करता है. अगर आपका पिंपल्स का रीज़न बैक्टीरियल ग्रोथ है तो वो बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है, एंड इवन फंगल एक्ने के लिए तो अमेजिंग काम करता है. इसका फुल बॉटल अभी ख़त्म हो चुका है, तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा मैंने इसको पसंद किया है. ये वैसे तो ब्यूटी को का है, बट आप कोई भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल ले सकते हो. एंड नाउ जो प्रोडक्ट की बात मैं करूँगी वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मेरी फेवरेट है. जो प्रोडक्ट की बात मैं कर रही हूँ वो है सेबो जेल. बेसिकली तो ये स्पॉट ट्रीटमेंट में यूज़ होती है. इसके मेन इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड एंड नियासिनामाइड. पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये मेरे स्किन के लिए वंडर्स काम कर गई. विंटर में होता क्या है कि रेगुलर मास्क लगाना एकदम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैसे ही ठंड होती है एंड ठंडा ठंडा लगा के वो बैठ जाना 10 मिनट के लिए, वो बहुत ही ना मेरे लिए मुश्किल लग रही थी. तो तब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो इसको मैं रिप्लेस कर सकूँ. तो तब मैंने ये सेबो जेल लिया एंड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये मेरी फेवरेट है. कोई भी आपका एक्टिव पिंपल्स हो या फिर छोटा मोटा दाना ही निकल रहा है या फिर बहुत रेडनेस हो गई है,
उन सभी पर ये बहुत इफेक्टिव काम करता है। एंड इवन छोटा मोटा जो दाना हो जाता है तो वो तो 2 दिन के अंदर ये एकदम सुखा के वैनिश कर देता है। इसके ऊपर तो मैंने अलग से रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये प्रोडक्ट मेरी इस जर्नी का एब्सोल्युटली फेवरेट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मैं जो प्रोडक्ट की बात करूँगी वो तो वर्सेटाइल है, वो है ACV एप्पल सीडर विनीगर। ये आपकी टोटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है एंड साथ में स्किन के लिए भी। इसको मैं रोज़ सुबह गर्म पानी के साथ 1 चम्मच मिला के पीती थी एंड इवन इसको एज ए टोनर भी मैं यूज़ करती हूँ। टोनर के लिए मैं इसको डायरेक्ट कभी नहीं यूज़ करती थी एंड डायरेक्ट यूज़ करना भी नहीं चाहिए। कोई भी 150 या 200 ml के पानी में बस आपको 1 चम्मच ही मिलानी है, छोटा चम्मच बड़ा चम्मच नहीं। तो वो मिला के आप इसको एज ए टोनर यूज़ कीजिए। आपका अगर कोई भी टाइनी बम्स का प्रॉब्लम है, फंगल एक्ने का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ये अमेजिंग वर्क करता है। मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि कभी कभी जो स्किन के ऊपर इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है मेरी, कभी कभी इधर इधर हो जाती थी कि अचानक से इचिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पर और रेडनेस आ गई, तो मैं क्या करती थी वो टोनर में यहाँ पर स्प्रे कर देती थी, कुछ देर के बाद वो एकदम गायब हो जाती थी। एंड अगर आप इसको रोज़ सुबह लेते हो तब की ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है, तो ये प्रोडक्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग है। नाउ लास्ट एंड फाइनल जो चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी, अगर आपके स्किन में एक्टिव एक्ने अभी है, अगर आपके स्किन में पस वाला दाने निकल रहे हैं जिसके अंदर पस होता है, पस्टूल जिसको बोलते हैं, अगर है ये चीज़ आप करके देखना, आपका जो पस वाला दाना है ना वो 2 दिन के अंदर ड्राई आउट हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ हॉट कंप्रेस की, स्टीम लेना नहीं है दोस्तों, स्टीमिंग की बात मैं नहीं कर रही। स्टीम लेना एंड हॉट कंप्रेस में डिफरेंस होती है। हॉट कंप्रेस मींस आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी, एंड उसके अंदर आपको कोई भी टॉवल या फिर कोई भी कपड़ा डिप करना है एंड उसका भाप आपको लेना है जहाँ पर भी आपका एक्टिव पिंपल्स है उसके ऊपर, थोड़े देर के लिए आपको पकड़ कर रखना है। फिर ऐसे ही 2-3 बार आपको करते जाना है, आप 5-7 मिनट के लिए कीजिए। एंड इसको करने के बाद आप अपना क्ले मास्क लगाइए, जो मैं करती थी। मैं हॉट कंप्रेस एवरी डे लेती थी, जब भी कोई आपस वाला दाना निकलता था या फिर बहुत ही एक्टिव वाला पिंपल्स निकलता था, नहाने के बाद हॉट कंप्रेस लेती थी एंड उसके बाद मैं मेरी क्ले मास्क को लगाती थी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आप हॉट कंप्रेस करोगे ना तो तभी आप देखोगे कि पस निकलना स्टार्ट करता है। वो जगह को आप अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर मास्क लगा सकते हो या फिर सेबो जेल टाइप का स्पॉट ट्रीटमेंट भी लगा सकते हो। हॉट कंप्रेस अमेजिंग वर्क करता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है आप ज़रूर करना, अगर आपने ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप इनमें से अगर कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो तो आई एम श्योर कि आपके लिए भी ये हेल्पफुल ज़रूर होगी। वैसे तो मैं अभी भी इस जर्नी में हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स अभी भी आते हैं, तो मैं आगे आप लोगों के साथ मेरी जर्नी का मेरी एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, रेड बटन को हिट कर ले एंड साथ में बेल बटन को भी, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप नोटिफाइड रहो। तो मिलते हो जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, बाय।